नमस्कार। आयुर्वेद के ज्ञान से भरपूर और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, हम हमेशा अपने शो में फीमेल ब्यूटी यानी कि महिलाओं की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। हमारे दर्शकों की एक शिकायत है कि हम कभी भी मेल ब्यूटी के बारे में बात नहीं करते, तो आइए आज इसी राज को जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का नंबर, वो है 01294040404। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है मेल ब्यूटी जी, उसके पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगी, उसकी शुरुआत में करूंगी कि आपकी सुंदरता का क्या राज है। देखिए, पहली चीज तो धन्यवाद, आपने मुझे सुंदर कहा है, अच्छी बात है, आपको मैं सुंदर लग रहा हूँ। लेकिन सुंदरता क्या होती है, इसको मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आमतौर पर केवल आपका जो है चेहरा कैसा दिख रहा है। आजकल भारत में तो सुंदरता का जो पैमाना है कि कौन कितना गोरा है, ये पता नहीं कहाँ से आया है कि जो गोरा आदमी है वो सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदरता का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति प्रकृति के करीब है, जो प्राकृतिक जिसका जीवन शैली है, जो प्रकृति के अपनी प्रकृति को समझता है, तो नेचुरली जिसके शरीर में धातु अच्छे हैं, टिश्यूज अच्छी हैं, चेहरे पर उसके जो एक तेज है जिसको कि हम ओजस कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं हैं, अगर ये सब है तो आप सुंदर डेफिनेटली होंगे। क्योंकि क्या क्या जो बीमारियां होती हैं उनको मैं थोड़ा समझा दूं, खासतौर से बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है मेल्स ब्यूटी, क्योंकि जो मेल्स हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो आमतौर पर सुंदरता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और आजकल समस्याएं बहुत हैं, आजकल 20-25 साल के जो बच्चे हैं उनके बाल उड़ने लगे हैं, वो गंजे हो रहे हैं, 30-35 की आयु में उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आपके जो है आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अगर उसमें और चीज़ें हम देखें तो शरीर के अंदर जो शक्ति होती है, क्योंकि ब्यूटी का मतलब केवल मैंने कहा कि केवल आपके चेहरा कैसा दिख रहा है उससे नहीं है, आपके शरीर की फिजिक कैसी है। कुछ लोग बड़े ही दुबले पतले होते हैं जी, उनके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा फिजिक उनकी अच्छी नहीं होती, या फिर जो है एक्ने पिंपल्स जी, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम, सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है पुरुषों में बहुत ज्यादा होती हैं आजकल, पहले जो है एक्ने पिंपल्स वगैरह कील मुहासे स्त्रियों का रोग माना जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे पुरुषों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इन प्रॉब्लम्स के क्या कारण है ये हम आपसे समझेंगे डॉक्टर साहब। पहले हम बात करते हैं हमारे शो के पहले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो आरोग्य मंत्र। अपना नाम बताइए। जी वेलकम, मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, मानोगढ़ जिला उमरिया से, एमपी से। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मेरे वाइफ का मैं अभी एक दो बार फोन कर चुका था जी, मैं दवा भी मंगा चुका था, इसे रिलैक्स तो मिला था, थायराइड का प्रॉब्लम है उनको। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम, कितने साल से? सर ये भी एक साल से हुआ था। अच्छा अच्छा, अभी उम्र कितनी है उनकी, आपकी पत्नी की? क्या सर? एज कितनी है उनकी? एज है सर 30 साल है। 30 साल की है। अच्छा, तो अभी काफी परेशान रहती सर, कभी मैं तो एकदम निराश निराश टाइप का, एकदम जी रहना, कम खाना, खाना कम बोलना, देखिए बड़ा बड़े, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी की काफी केयर करते हैं, उसकी दवाई भी करा रहे हैं, उसके बारे में आपने प्रश्न भी पूछा है, तो आपसे निवेदन मेरा ये है, क्योंकि थायराइड की आपने बात की, 30 साल की आयु है, हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस है, और हॉर्मोन्स के इम्बेलेंस में ये बहुत आवश्यक है कि जो स्त्री है, जो पत्नी है आपकी, उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए। अगर वो दुखी रहेगी, डिप्रेशन में रहेगी, बहुत ज़्यादा उसको कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो फिर जो है ये रिजल्ट इसका बहुत मुश्किल से आएगा। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जितने भी जो हार्मोन के डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें अधिकांश, खास तौर से महिलाओं के जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक जो कारण है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा सा उनको जो है मानसिक लेवल पर भी आप खुश रखिए। दवाई आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हमारे यहाँ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, और अभी 2 महीना हुआ है तो उसको 2-4 महीने और खिलाइए भी, उसके पश्चात हमारे डॉक्टर के संपर्क में बने रहिए और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहिए। लेकिन मेरा आपको सुझाव यही है कि उनको आप जो जैसे भी कहें, या तो हमारे डॉक्टर से उनकी डिटेल में बात कराइए, ताकि हम पता लगाएं कि क्या क्या वजह है उनके दुखी रहने की। कोई कारण हो सकता है, महिलाएं हैं, कई कारण होते हैं, घर में और भी लोग होते हैं, कई बार जॉइंट फैमिली होती है वो एक कारण बन जाता है, कभी कभार घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उससे उसका जो है किसी प्रकार से पूरा
तालमेल नहीं बैठता है या और भी कोई कारण हो सकता है। तो हमेशा जो है कारण को पता लगाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके पश्चात जो है उस रोग को हमें ठीक करना चाहिए। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए और आप उनकी थोड़ी काउंसलिंग कराइए हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और आप चिंता मत करिए, आप आयुर्वेद की शरण में आए हैं, आपकी पत्नी अवश्य ठीक होंगी। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं, यानी कि मेल्स ब्यूटी पर। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।